हेलो दोस्तों और छात्रगण, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूं आपकी पढ़ाई ऑनलाइन में अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन आने वाली परीक्षाओं में अच्छी हो रही होगी। निश्चित तौर पे इस ऑनलाइन क्लासेस में आप इसका लाभ भी उठा रहे होंगे। छात्रगण, एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है चैप्टर 1। यद्यपि इसके पहले झारखंड के बारे में कुछ परिचय, कुछ सिलेबस, प्रिपरेशन कैसे किया जाए, सारी बातें आपको बताई जा चुकी है और आज हम नोट्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है झारखंड का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। झारखंड ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, झारखंड का भौगोलिक परिचय जो आपको जेपीएससी में भी पढ़नी है, जे एसएससी में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पढ़नी है। इसके अलावा झारखंड में आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर जेपीएससी के पीटी के पेपर 2 का ये टॉपिक भी है। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का नोट्स छात्रगण हम लोग प्रारंभ करेंगे और आपका आज का चैप्टर का नोट्स का हेडिंग होगा झारखंड का भौगोलिक परिचय। देखिए आप लोग हेडिंग दीजिए, झारखंड का भौगोलिक परिचय। ओके छात्रगण, देखिए झारखंड का मैप और मैप के पश्चात हम इसका परिचय देंगे और आपको प्रॉब्लम लिखने में नहीं होगा क्योंकि सारी बातें आपको इसके पहले परिचय में बताई जा चुकी है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट आप प्रारंभ कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है झारखंड की स्थापना। फर्स्ट पॉइंट, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई। 15 नवंबर सन 2000 को हुई। जिसकी स्थापना 28वें राज्य के रूप में हुई। 28वें राज्य के रूप में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड जो बिहार से अलग हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में है, झारखंड जो बिहार से अलग बना या बिहार से अलग हुआ, यह बिहार के 46% बिहार के 46% भूभाग को लेकर अलग हुआ। 46% लैंड, 40% भूभाग को लेकर अलग हुआ, जिसे छोटा नागपुर का पठार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड भारत के उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, झारखंड भारत के उत्तर पूर्व में फैला एक राज्य है जो
जो जो प्राय द्वीपीय पठार, जो प्राय द्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, जो प्राय द्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, और यह छोटा नागपुर का पठार, और यह छोटा नागपुर का पठार विश्व के अति प्राचीन लैंड और यह छोटा नागपुर का पठार विश्व के अति प्राचीन भूमि गोंडवाना लैंड का एक भाग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोंडवाना लैंड का एक भाग है, गोंडवाना लैंड का एक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड जिसका आकार, मैप पे गौर कीजिए छात्रगण, आप मैप देखिए, झारखंड जिसका आकार फोर एंगल्स चार कोण, झारखंड जिसका आकार चतुर्भुजाकार, चार भुजाओं वाली चतुर्भुजाकार है, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण ये वाली नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई पश्चिम से पूरब 463 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड का क्षेत्रफल, एरिया, झारखंड का क्षेत्रफल उनासी हजार सात सौ चौदह किलोमीटर है, जिसमें से 77,922 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रामीण है, जिसमें से 77,922 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ग्रामीण है, जबकि 1792 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शहरी है। इस प्रकार झारखंड का स्थान, झारखंड का स्थान भारतीय राज्यों में, झारखंड का स्थान भारतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर अलग होने के पश्चात 15वां स्थान है जिसकी
राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका है, और उपराजधानी दुमका है। नेक्स्ट पॉइंट छात्रगण, छात्रगण पहले समझ लीजिए आप एक पॉइंट, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, कोई भी देश, जिला, राज्य, ग्लोब पे कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के बीच में ही होती है। हम ये जानेंगे कि झारखंड विश्व के ग्लोब पर कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर के बीच है। और आप छात्रगण पढ़े होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इंडिकेट करते हैं, वह भारत के बीचों बीच से क्रॉस करती है। उसमें एक मेरा झारखंड भी है। तो हम ये जानेंगे कि झारखंड के कौन कौन स्थानों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छात्रगण, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे और इसे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत जो विश्व के ग्लोब पर स्थित है, उसमें से भारत जो विश्व के ग्लोब पर स्थित है, उसमें से झारखंड, भारत जो विश्व के ग्लोब पर स्थित है, उसमें से झारखंड 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, और 83 डिग्री 1950 से 87 पूर्वी देशांतर के बीच झारखंड अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, यह भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से गुजरती है। उसमें से झारखंड भी है। अतः हम कह सकते हैं कि झारखंड के बीचोंबीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो नेतरहाट, किसको
और मांझी गोला पुखना, देखिए आप लोग पुखना नितरहाट, नितरहाट गोसाईडी, गोसाईडी झालबद्रा, इसको मिटाते हैं हम लोग, झालबद्रा और पालकुदरी, और पालकुदरी स्थान से गुजरती है, और पालकुदरी स्थान से गुजरती है। तो छात्रगण आपने देखा कि भारत झारखंड का विस्तार कितना से कितना के बीच में है, और आपने ये भी देखा कि झारखंड के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है वो झारखंड के नेतरहाट किसको और मांझी पोखना, सॉरी मैंने दो बार लिखते नेतरहाट, पोखना गोसाईडी गोला झालबद्रा और पाल कुदरी से होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, झारखंड जिससे कर्क रेखा गुजरती है, जिससे कर्क रेखा गुजरती है जिसके कारण झारखंड एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसके कारण झारखंड एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय वाला एक राज्य है, उष्णकटिबंधीय वाला एक राज्य है, उष्णकटिबंधीय वाला एक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट छात्रगण आप ही गौर कीजिएगा, पहले समझ लीजिए आप लोग कि छात्रगण भारत में टोटल 9 कोस्टल स्टेट हैं, यद्यपि 4 यूनियन टेरिटरी भी स्टेट हैं, लेकिन 4 यूनियन टेरिटरी और 9 राज्य कोस्टल स्टेट हैं, कोस्टल स्टेट तटीय वाला राज्य है 9, लेकिन हमारा झारखंड तटीय वाला राज्य नहीं है, हमारा झारखंड कोस्टल स्टेट नहीं है, हमारा झारखंड चारों ओर से लैंड लॉक्ड भू आवेष्टित राज्य है। निश्चित तौर पे जब झारखंड लैंड लॉक्ड स्टेट है तो निश्चित तौर पे इसके आसपास पड़ोसी राज्य होंगे। तो छात्रगण नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड एक लैंड लॉक्ड स्थल से घिरा हुआ, झारखंड एक स्थल से घिरा हुआ एक राज्य है जिसके उत्तर में बिहार, जिसके उत्तर में बिहार, यहां बिहार, पूरब में बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा,
और पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा यूपी, तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार झारखंड में पड़ोसी राज्यों की संख्या 5 है। इस प्रकार झारखंड में पड़ोसी राज्यों की संख्या 5 है, 5 है। ओके छात्रगण, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो हमारे झारखंड के कौन कौन जिलों को टच करते हैं और कितनी संख्या में है। जैसे बिहार से 10, बंगाल से भी 10, उड़ीसा से 4, छत्तीसगढ़ से 4 और यूपी से 1। हम जानेंगे यहां पर वो कौन कौन जिला, कौन कौन से राज्यों के जिलों को छूती है। छात्रगण, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, छात्रगण लिखिए, झारखंड के उत्तर में जो बिहार है, बिहार है, उससे छूने वाले टच, उससे छूने वाले जिलों की संख्या कुल 10 है, कुल 10 हैं, जो है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छात्रगण, आपने देखा कि यही 10 जिला बिहार को छूते हैं। छात्रगण, प्रश्न ऐसे आते हैं, बोकारो रामगढ़ हजारीबाग लातेहार, इनमें से कौन सा जिला बिहार की सीमाओं को छूते हैं? तो आपका उत्तर होगा हजारीबाग। तो छात्रगण, आपको ये जानना है कि कौन कौन जिला, कौन कौन से पड़ोसी राज्यों को छूते हैं। छात्रगण, नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड के पूर्वी भाग में हमारा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, जिसको छूने वाले जिलों की कुल संख्या 10 है, 10 है, जो हैं जो है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। छात्रगण, पूर्वी सिंहभूम 1, सरायकेला 2, 1, 2, 3, रामगढ़ 4, बोकारो 5, धनबाद 6, जामताड़ा 7, दुमका 8,
पाकुड़ 9 और साहेबगंज 10। नेक्स्ट पॉइंट छात्रगण, झारखंड के दक्षिण में पड़ोसी राज्य उड़ीसा है। झारखंड के दक्षिण में पड़ोसी राज्य उड़ीसा है। जिससे छूने वालों जिलों की संख्या 4 हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट 4 हैं, जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा। और सिमडेगा। नेक्स्ट पॉइंट छात्रगण, झारखंड के पश्चिम में पड़ोसी राज्यों की संख्या 2 है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। उनमें से छत्तीसगढ़ से छूने वाले जिलों की संख्या कुल चार है, जो है सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। जबकि उत्तर प्रदेश से छूने वाला एकमात्र जिला गढ़वा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छात्रगण एक बात गौर करेंगे आप लोग, मैंने लिखाया कि गढ़वा में बिहार में गढ़वा भी टच है, मैं लिखाऊं छत्तीसगढ़ में भी गढ़वा टच है, और फिर लिखवा रहे हैं कि यूपी को छूने वाले एकमात्र जिला गढ़वा है। तो छात्रगण हम नोट्स लिख सकते हैं कि गढ़वा एक ऐसा जिला है, लिखिए आप लोग, अतः हम कह सकते हैं, उसी नोट्स में लिखिएगा पॉइंट, अतः हम कह सकते हैं कि गढ़वा एक ऐसा जिला है जिसे बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों पड़ोसी राज्य इसे टच करते हैं, छूते हैं, इसे छूते हैं। तो छात्रगण हम यहां आपको एक नोट्स लिखवाए, संपूर्ण नोट्स, और वो नोट्स का टॉपिक था झारखंड का भौगोलिक परिचय। हमने ये देखा कि झारखंड की स्थापना कब हुई,
कैमे राज के रूप में हुई, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितना अक्षांश और देशांतर के बीच में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से क्रॉस करती है, उसमें से हमारा झारखंड से भी गुजरती है। फिर मैंने देखा कि झारखंड के नेतरहाट, किसको, और मांझी, गोसाइडी, गालू, झालबद्रा, फालकिदरी, फुखन्ना से क्रॉस करती है। हमने ये भी देखा कि लंबाई कम, चौड़ाई ज्यादा है। हम ये देखे कि चारों ओर से लैंड लॉक्ड राज्य है और 5 पड़ोसी राज्य की सीमाएं हमसे छूती है। हमने ये भी देखा कि कितने कितने जिले किसको किसको छूते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि जितने जिले टच किया उसमें से 2 जिला, एक लोहरदगा और एक खूंटी ही मात्र 2 ऐसे जिले हैं जो किसी पड़ोसी राज्यों को नहीं छूता। तो छात्रगण, आपका लास्ट पॉइंट होगा नोट्स में, झारखंड के मात्र लोहरदगा और खूंटी ही ऐसे 2 जिले हैं, लोहरदगा और खूंटी ही ऐसे 2 जिले हैं जो किसी पड़ोसी राज्य की सीमाओं को नहीं छूता, पड़ोसी राज्य की सीमाओं को नहीं छूता, टच नहीं करता, सीमाओं को नहीं छूता। तो छात्रगण, ये आज मैंने आपको नोट्स लिखवाया कि कैसे आप झारखंड का भौगोलिक परिचय को दे सकते हैं। छात्रगण, झारखंड का भूगोल आगे पढ़ना है तो उससे पहले आपको जानना होता है कि झारखंड का ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन क्या होता है, भौगोलिक परिचय क्या होता है। इसके भौगोलिक परिचय के बिना आने वाले जो पाठ होंगे झारखंड का, उसमें कठिनाई आपको ना हो, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बताया झारखंड का भौगोलिक परिचय, जो इतना इंपॉर्टेंस है कि विभिन्न परीक्षाओं में जेपीएससी, जेएसएससी और अदर्स एग्जामिनेशन में ये पूछी जाती है कि कौन सा परिचय, कौन सा जिला कहाँ टच करता है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कुल एरिया कितना है, किसका पार्ट है, कौन से भूमि का पार्ट्स है, किस ओर बसा हुआ है, कितना लॉन्गिट्यूड है, कितनी लैटिट्यूड है, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, स्थापना कब हुआ, क्षेत्रफल में अभी रैंक इसका कितना है, इस सारी बातें आपको मैंने भौगोलिक परिचय में बताने का प्रयास किया है। तो छात्रगण, ये मैंने नोट्स दिखाया आपको झारखंड का भौगोलिक परिचय, शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।